थल सेना और नौसेना में 274 पायलटों की कमी है। सरकार ने आज लोकसभा को इसकी जानकारी दी। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा कि सेना में पायलटों की स्वीकृत संख्या 794 है, जबकि इसमें 192 रिक्त पद हैं। नौसेना में 735 पायलटों की स्वीकृत संख्या है और 82 रिक्त पद हैं। अधिकृत प्रतिष्ठान के मुकाबले भारतीय वायुसेना में पायलटों की मामूली कमी है। हालांकि भारतीय वायुसेना में उपलब्ध ताकत मौजूदा परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, उन्होंने कहा। यह पूछे जाने पर कि क्या नौसेना ने हिंद महासागर पर अपनी निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है, भामरे ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र IOR के भू रणनीतिक महत्व में हाल के दिनों में धीरे धीरे वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा, भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्रों की बारीकी से निगरानी करती है। यदि हमारी रुचि और नियमित रूप से IOR में महत्वपूर्ण चोक पॉइंट, समुद्री गलियों में उपस्थिति और निगरानी मिशन PSM के लिए जहाजों को तैनात करती है, उन्होंने कहा। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में भामरे ने कहा कि नौसेना अन्य विदेशी देशों के सहयोग से हिंद महासागर की संयुक्त निगरानी नहीं करती है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने बुधवार को कहा कि भारत और फ्रांस ने 10 मार्च 2018 को वर्गीकृत डेटा की सुरक्षा पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो 2008 में हस्ताक्षरित एक पूर्ण समझौते की जगह ले रहा था। भामरे ने लोकसभा में कहा, भारत और फ्रांस के बीच 10 मार्च 2018 को फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान वर्गीकृत या संरक्षित सूचनाओं के आदान प्रदान और पारस्परिक संरक्षण के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच वर्गीकृत और संरक्षित जानकारी के किसी भी आदान प्रदान पर लागू सामान्य सुरक्षा नियमों को परिभाषित करता है। भामरे तेलुगु देशम पार्टी तेदीपा के सांसद मुत्तंशेट्टी श्रीनिवास राव के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिन्होंने जानना चाहा कि क्या भारत और फ्रांस ने 2008 के समझौते की जगह किसी नए गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस से राफेल लड़ाकू जेट सौदे के विवरण की मांग करने वाले विपक्ष की पृष्ठभूमि में मंत्री का बयान महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि सरकार अपने रुख पर अडिग रही है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लड़ाकू विमानों की कीमत का खुलासा नहीं कर सकती है और क्योंकि यूपीए गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। सेना ने कहा कि इसराइली टैंकों ने आज गाजा पट्टी में हमास के 2 ठिकानों पर हमला किया, जब कार्यकर्ताओं ने अस्थिर सीमा पर सुरक्षा बाड़ के आधार पर आग लगा दी। सेना ने कहा कि 2 संदिग्ध आगजनी करने वालों ने बाढ़ को पार नहीं किया था और इजरायल में घुसपैठ की थी, लेकिन उसने हमास के 2 अवलोकन चौकियों के खिलाफ टैंक की आग से जवाबी कार्रवाई की। सेना सुरक्षा बाढ़, साथ ही सुरक्षा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के किसी भी प्रयास को बहुत गंभीरता से देखता है, यह कहा। यह घटना ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले इजरायली सैनिकों ने 3 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया था, जो चाकू और हथगोले के कब्जे में गाजा से सीमा पार कर गए थे। सेना ने कहा कि तीनों को इसराइल के अंदर लगभग 20 किलोमीटर 12 मील के एक सैन्य अड्डे के पास पकड़ा गया, जबकि देने का फैसला था। शनिवार को कई फिलिस्तीनियों ने सीमा का उल्लंघन किया और भारी उपकरणों को जलाने की कोशिश की। जवाब में इजरायली जेट विमानों ने गाजा को नियंत्रित करने वाले इस्लामी समूह हमास के ठिकानों पर हमला किया।